वहीं फिरोजपुर में हमारे संवाददाता कमल मल्होत्रा ने बजट को लेकर युवाओं से बातचीत की है, तो आइए जानते हैं युवाओं का बजट पर क्या कुछ कहना है। सरकार दे बजट नूं लैके यूथ दे विच की गल है, जानते हैं साडे नाल यूथ दे इत्थे खड़े ने, उन्होंने पुछदे हैं कि तुसीं की समझदे हो जिहड़ा नवां जिहड़ा आ रहा बजट पेश कर रहे कांग्रेस सरकार, तुसीं की उम्मीद रखदे हो? सर उम्मीद यही कांग्रेस सरकार तो रखदे हैं कि वह नौकरियां कढ़न, जिहड़े नशियां तो मुक्त होण, मुंडे जिहड़े अजकल मुंडे नशे नुशे करदे ने, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हैगी है, उन्होंने नशा मुक्त होण ते नौकरियां वध तों वध कढ़ियां जाण। सर होर भी यूथ मौजूद ने, उन्होंने पुछदे हैं, उन्होंने कहना तुसीं की कहते? सर यही उम्मीद रखते हैं भी चलो जो भी बजट पास हो अपने फायदे लिए हो, एक बाकी जो किसानी मुद्दा भी चल रहा उन्होंने बारे भी अपने सारे मिनिस्टर साहबान MLA साहबान इस उन्होंने कैप्टन साहब भी उन्होंने हक के ही हैं भी वधिया वधिया चाहिए। हम जिवें मोदी सरकार ने तुम वेख लो पेट्रोल पंप मतलब कि अपना तेल कितना महंगा हो गया, डीजल अपने अज तो 2012 के पहलों जो कांग्रेस सरकार रही मनमोहन सिंह रहे हैं तो उदो वेखो अपना डीजल पेट्रोल का रेट बहुत घट से। अज तुम ये समझते हो भी पंजाब सरकार तो उम्मीद ला के रख सकते हो भी पेट्रोल डीजल के रेट जो घट? हाँ जी हाँ जी, सू पूरी उम्मीद है जी आपकी सरकार, तो पूरी पंजाब सरकार तो पूरी उम्मीद है जी, बजट वधिया ही साढ़े हक च ही होगा जिहदे नाल लोकी सारे किसान जथेबंदियां सारे खुशहाल दिसण, तां ही आपां नूं फायदा, जे किसान खुशहाल होगा तां ही आपां अपने देश की तरक्की पंजाब की तरक्की हो सकती। चलो यूथ का यही कहना वा जिहड़ा आने वाला बजट है वो पंजाब सरकार वल्लों वधिया होवे ते जिहड़ियां नौकरियां ते जिहड़ियां स्कीमां ने वो चलान, तां जो जिहड़ा यूथ है वो नशे तो मुक्त।